नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आर YouTube चैनल एसेटेक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसेटेक में। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या YouTube चॅनल एसेटेक मध्ये। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आगे YouTube ने जो 5 नए अपडेट्स लाए हैं 2021 के, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ, YouTube ने 5 नए अपडेट्स लाए हैं। तो मेरा नाम है सतीश, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला अपडेट है वो है रेवेन्यू एनालिटिक्स के बारे में। जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, मैं महीने के पहले तारीख को वीडियो अपलोड करता हूं और जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उस वीडियो से, वो 3 से 4 दिन में रेवेन्यू एनालिटिक में अपडेट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं यदि महीने के पहले तारीख को वीडियो अपलोड करता हूँ तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो 3 से 4 दिन में वो रेवेन्यू एनालिटिक्स में अपडेट हो जाते हैं। लेकिन अभी इस नए अपडेट के वजह से उसको 7 से 8 दिन लगेंगे या फिर 10 दिन भी लग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी जो भी रेवेन्यू जनरेट होगी उसकी जानकारी रेवेन्यू एनालिटिक्स में 7 से 10 दिन में इस नए अपडेट के वजह से अपडेट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी बात, जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो सुपर चैट है वो भी अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो उसको भी 1 हफ्ता लगेगा। तो जो भी रेवेन्यू होगा 1 हफ्ते के बाद अपडेट हो जाएगी। तो ये जानकारी थी पहले अपडेट के बारे में, रेवेन्यू एनालिटिक्स। तो दोस्तों, जो सेकेंड अपडेट है वो एड्स के संदर्भ में। जो भी ऐड आप यूट्यूब पर देखते हैं, जी हाँ, यदि वो ऐड आपको अच्छी नहीं लगती उसके बारे में आपको रिपोर्ट करना है। वैसे ये सुविधा YouTube पर उपलब्ध है, ऑलरेडी उपलब्ध है, लेकिन इसको और बेहतर बनाया गया है। यदि आपको वो ऐड इनअप्रोप्रिएट लगती है, अच्छी नहीं लगती, तो उसके बारे में आपको रिपोर्ट करना है। तो आपको क्लिक करना होगा इन्फॉर्मेशन बटन पर, फिर उसके बाद आपको ऐड सेटिंग में जाना है और फिर वहाँ पर आपको ऑप्शन क्लिक करना है इनअप्रोप्रिएट ऐड, फिर उस ऐड की रिपोर्ट यूट्यूब को जाएगी। तो इसको बेहतर बनाया गया इस नए अपडेट में। तो दोस्तों, जो लास्ट के 3 अपडेट हैं उसके बारे में शायद आपको मेल आया होगा YouTube की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, तीसरा अपडेट है प्राइवेसी के संदर्भ में। आप किसी की भी जानकारी कलेक्ट करके उसकी जो पहचान है उसकी जानकारी आप दे नहीं सकते, यानी आप किसी को भी आपके वीडियो में लेते हैं तो उसका परमिशन लेना ज़रूरी है। यदि आप उसकी परमिशन नहीं लेते हैं और यदि वो प्राइवेसी के बारे में कंप्लेंट करता है YouTube से, ये पहले भी ये अवेलेबल है YouTube पे कंप्लेंट करना। यदि किसी ने वीडियो में ऐड किया किसी व्यक्ति को बिना पूछे और उस व्यक्ति ने यदि कंप्लेंट किया YouTube से, तो आप पर एक्शन लिया जा सकता है या उस वीडियो को आपको डिलीट करना पड़ सकता है। तो यदि आप किसी को भी आपके वीडियो में लेते हैं तो उसकी परमिशन लीजिए और फिर बाद में शूट कीजिए। और जो चौथा अपडेट है वो है मोनेटाइजेशन के संदर्भ में। जी हाँ, 1 जून से जिनके चैनल नॉन मोनेटाइज है उन पर भी ऐड आएगी, और जिनके चैनल मोनेटाइज है तो उनके चैनल पर ऑलरेडी ऐड आ रही है। अभी इसमें आपको मैं पूरी जानकारी देना चाहूँगा, जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं है तो यूट्यूब 1 जून से उनके चैनल पे भी ऐड देगी, लेकिन जो उस ऐड से रेवेन्यू जनरेट होगा वो यूट्यूब के पास ही जाएगा। और जिनके चैनल मोनेटाइज है और जिनके चैनल पर ऑलरेडी ऐड आ रही है, तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो यूट्यूबर को ही मिलेगा। लेकिन जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं है और यूट्यूब अब 1 जून से उनके चैनल्स पर भी ऐड दिखाना शुरू करने वाला है, तो जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा और यदि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो वो रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगा, आपके चैनल को नहीं मिलेगा, वो यूट्यूब अपने पास ही रख लेगा। और जो पाँचवा अपडेट है वो है US टैक्स फॉर्म के बारे में। जी हाँ, आपको ये 31 मई यानी 31 मई तक आपको वो फॉर्म भरना है US टैक्स का, और यदि आप वो फॉर्म नहीं भरते हैं तो फिर बाद में आपको जो है 24% यानी 24% टैक्स लग सकता है। यदि आप फॉर्म फिल करते हैं तो सिर्फ आपको 15% ही टैक्स लगेगा। तो ये फॉर्म आप भर दीजिए ताकि जो टैक्स लगेगा वो आपको सिर्फ 15% लगेगा। यदि आप ये फॉर्म नहीं भरते तो आपको 24% टैक्स भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे YouTube के नए 5 अपडेट 2021 के। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट अच्छे लगे होंगे और मेरी ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके कमेंट जरूर टाइप कीजिए। तो मेरा नाम है सतीश, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।